परशुराम सेना देवास इकाई ने अपने इष्ट देव भगवान परशुराम के मंदिर वेदशाला अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों तथा आश्रम के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार से ब्राह्मणों के लिए भूमि मुहैया करा दे, मंदिर का निर्माण समाज जन मिलकर कर ले। मंदिर निर्माण का उद्देश्य भगवान परशुराम जी की भव्य मंदिर बनाना है। ब्राह्मण समाज की संस्कृति एवं वेदशाला का निर्माण है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण जनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुँच कर ज्ञापन सौंपा। महोदय साहब को आज आवेदन दिया गया है, जिसमें समस्त परशुराम सेना के महिला मंडल एवं सभी वर्ग के हमारे अधिकारी लोग, जितने भी यहाँ पे हमारे परशुराम सेना के समस्त ब्राह्मण संघ यहाँ पर उपस्थित है, इनके तत्वाधान में मांग की गई है कि भगवान परशुराम के मंदिर के लिए जमीन आवंटित हमको सरकार द्वारा की जाए एवं गरीब ब्राह्मण बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पर वेदशाला पाठशाला खोलने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं, जिनके कारण हमने आज सभी परशुराम भक्त एवं अखंड ब्राह्मण समाज द्वारा सभी ब्राह्मण लोग यहाँ पर मौजूद हैं। श्री परशुराम आज देवास जिले के अंतर्गत परशुराम मंदिर के लिए हमारी जमीन आवंटित के लिए कहें और दूसरी वेदशाला के लिए, तीसरा जो भूखी गौ माताएँ जो रोड पर क्षतिग्रस्त हो रही है उनके लिए गोचर भूमि के लिए भी आवेदन दिया गया, और यही मांग करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र परशुराम सेना पुजारी संघ एवं समस्त ब्राह्मण संघ यही चाहता है कि शीघ्र से अतिशीघ्र हमारी ये मांग पूरी हो, ताकि हम निशक्त बालकों का भी सेवा कर सकें। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।